एक जंगल में दो बंदर रहते थे। उन दोनों बंदरों में एक लंगड़ी थी तो दूसरी अच्छी बंदर। ये दोनों रोज दोस्तों की तरह एक ही जगह रहते थे, पर अच्छी बंदर को थोड़ा घमंड ज्यादा था। लंगड़ी बंदर को हमेशा चिढ़ाती रहती थी। एक दिन अच्छी बंदर पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के लंगड़ी बंदर के सामने बैठ के खा रही थी। तब भूखी लंगड़ी बंदर ने पूछा, अच्छी बंदर, मुझे भी थोड़ा फल दो ना, भूख लगी है। हैं? तुम्हें और फल? मैं मेहनत करके पेड़ पे चढ़कर तोड़ लाई, तुम्हारा लंगड़े पेड़ से चढ़कर तुम ही ले लो। मेरा पैर टूट गया ना, पेड़ चढ़ने नहीं आता। इसीलिए तो तुम्हें लंगड़ी बंदर बुलाते हैं, लंगड़ी बंदर, लंगड़ी बंदर। तुम्हें फल चाहिए ना, फल वल नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। लंगड़ी बंदर, लंगड़ी बंदर। बोलते हुए चिढ़ाकर अच्छी बंदर हंस रही थी। अच्छी बंदर की बातों से लंगड़ी बंदर रोते रोते वहाँ से दूर जाके एक छोटे से पत्थर पर बैठती है। फिर उसे एक छोटा सिक्का मिलता है। फिर रोते रोते बड़े पत्थर बैठे तो उधर बड़ा सिक्का मिलता है। सिक्के मिलने की खुशी में लंगड़ी बंदर आगे तीन पलटी मारती है। ऐसे तीन बोरियों के अनाज प्रकट होते हैं। ऐसे ही पीछे से सात पलटियां मारने पर सात बोरी अनाज के प्रकट होते हैं। इन्हें देखकर खुशी से पागल होने वाले लंगड़ी बंदर ने कहा, अरे वाह, इतने सारे बोरियां आए, इनको बेचे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सोचते हुए उन सब को बाजू के एक घाड़ी में रखकर धीरे से लंगड़ाते हुए जंगल पार करके पास के दुकान में बेच देती है। ऐसे मिले पैसों से खेले खरीद कर वापस अपनी जगह पहुंच जाती है। वह एक पत्थर पर बैठकर खेले खा रही थी। ऐसे लंगड़ी बंदर को देखने वाले अच्छी बंदर को भी खेले खाने का मन हुआ। तुरंत लंगड़ी बंदर के पास जाकर अच्छी बंदर ने पूछा, लंगड़ी बंदर, मुझे भी ये केले दो ना, प्लीज। हाँ, अब तक मैंने फल पूछा था, तूने दिया क्या? मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगी क्या? ठीक है, फिर तुम्हें ये फल कैसे मिले? तुम अभी तक मुझे चिढ़ा रही थी ना, मैं रोते हुए छोटे पत्थर पर बैठी तो छोटा सिक्का और बड़े पत्थर पर बैठी तो बड़ा सिक्का मिला। उसके खुशी में आगे तीन पलटियां मारी तो बोरी अनाज मिले, उसके बाद पीछे से सात पलटी मारी तो सात बोरी के अनाज मिले, ने बेचकर केले खरीद लिया। ये सब सुनने वाली अच्छी बंदर भी ऐसे ही करके वो भी केले कमाना चाहती थी। तुरंत ही लंगड़ी बंदर ने जैसा कहा था, थोड़ा रोते हुए, हंसते हुए, फिर रोते हुए, नाटक करते हुए छोटे पत्थर पर बैठती है तो उधर छोटा बिच्छू उसे काट लेता है। बिच्छू के काटने पर भी बाकी के सिक्के तो आएंगे सोचकर, फिर रोते हुए, हंसते हुए, फिर नाटक करते हुए बड़े पत्थर पर बैठती है तो अब बड़ी बिच्छू काट लेती है उसे, तो दर्द में रोते हुए आगे तीन पलटी मारती है, आगे के दांत टूट जाते हैं। उसी दर्द में पीछे से सात पलटी मारती है तो उसकी पीठ की हड्डी टूट जाती है। अब खड़े भी ना हो पाते हुए रोते हुए बैठती है। अच्छी बंदर को उस स्थिति में देखकर लंगड़ी बंदर को बहुत तरस आती है। अरे क्या हुआ, उतनी चोट कैसे खाई? ठीक है, छोड़ो, अब उतनी मेहनत मत करो, मैं तुम्हें खेले दूंगी। जब तुमने पूछा था तब मैंने फल नहीं दिया, फिर भी तुम मुझे अपने खेले दे रहे हो। मैं नहीं, तुम हो अच्छी बंदर। से उसकी घमंड ठिकाने पर आकर दोनों अच्छे दोस्त बने। माँ बतख की चतुरता। एक जंगल के नदी में माँ बतख अपने बच्चों के साथ मिलकर रहती थी। ये सब नदी में आराम से घूमकर उनके लिए पर्याप्त भोजन को समेटकर खुशी से रहते थे। एक दिन सबसे छोटी बतख ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमने आज तक इस जंगल का सैर नहीं किया, सिर्फ एक बार हमें अपने साथ ले जाकर दिखाओ ना, करके पूछी। इसके लिए माँ बतख के मानने पर अगले दिन ही जंगल का सैर करने की सोची।
जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही अगले दिन सुबह ही माँ बतख ने अपने बच्चों के साथ नदी से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। ऐसे बतख के सारे बच्चे खुशी से झूमते हुए माँ के पीछे पीछे चल पड़े। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही माँ बतख को बस थोड़ी ही दूर में एक भेड़िया दिखा। अपने बच्चों से कहा, बच्चों दूर से वह भेड़िया इसी तरफ आ रही है, तुम सभी फौरन पास के नदी में चले जाओ, करके धीमी आवाज में बोली। माँ के कहने पर सारे बच्चे नदी की ओर भागने लगे। तुरंत माँ बतख ने अपने पंखों को फैलाते हुए बहुत ही मुश्किल से चलने लगी। एक तरफ भागने वाले बच्चे तो दूसरी ओर ना चल पाने वाली माँ बतख को देखकर, बतख के बच्चे तो मेरे एक टाप के लिए भी काफी नहीं होंगे, शायद माँ बतख घायल हुई होगी इसीलिए तो कहीं नहीं जाए पाएगी, इससे खाके मैं अपनी भूख बुझाऊंगा। हंसता हुआ बोलकर भेड़िया माँ बतख की तरफ आने लगा। इतने में सारे बतख के बच्चे नदी में चले गए। यह देखने वाली माँ बतख ने अपने पंखों को सीधा करके एक ऊंची उड़ान भरी और नदी के बीच जाकर बैठ गई। माँ बतख को देख सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। एक झटके में घटित घटनों से भेड़िया चौंक गया और सोचने लगा कि अरे ऐसे हाथ लगे बतख अपने बच्चों के साथ साथ बच के निकल गई। सोच के अपने आप को कोसता हुआ उदास होकर उधर से चला गया भेड़िया। होशियार बकरी की कहानी। एक गांव में गोपी नाम के व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को घास चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। पूरे दिन जंगल में खुशी से घास चरते थे, फिर शाम तक घर वापस पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बकरी थी। उसकी उम्र कम होने पर भी होशियारी में बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी होशियारी से बाकी के बकरी चौंक जाते थे। इससे मालिक को वो पसंद थी और वो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से ख्याल रखता था। एक दिन गोपी बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी की तरफ ले गया। घास चराने के लिए छोड़ के वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह छोटी सी बकरी इधर उधर भागते हुए झुंड से दूर चली गई। थोड़ी देर बाद अपने झुंड से दूर आ गई करके जाने वाली बकरी वापस पीछे की तरफ मुड़ गई। ऐसे वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बाघ दिखा। उसे देखते ही पहले बकरी डर से कांपने लगी, फिर किसी भी तरह साहस जुटाकर बाघ के सामने खड़ी रही। बाघ उस पर कूदने के लिए तैयार था, तभी बकरी ने उसे रोकते हुए कहा, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको तीन सच बोलूंगी, अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे छोड़ देना होगा। बकरी के बातें मजेदार लगने पर बाघ ने कहा, ठीक है बोलो। फिर बकरी ने कहा, अगर आप बाकी के भाग से मुझे आज एक बकरी मिली लेकिन मैंने उसे बिना मारे छोड़ दिया करके बोलने पर वे नहीं मारेंगे, सच है ना? सच ही है, करके बोलते हुए बाघ ने सिर हिलाया। फिर बकरी ने कहा, ऐसे ही मैं भी अपने बकरियों से मेरे भाग के हाथ लगने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वो भी नहीं मानेंगे, सच है ना? बाघ ने कहा, हाँ सही है। फिर बकरी ने कहा, अब तीसरी बात, हम अपने लोगों को बताने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करोगे, ये भी सच है ना? बकरी ने अपनी होशियारी से कहा। उतनी छोटी सी बकरी के ऐसे उसके सामने खड़े होकर साहस से बात करने पर बाघ को बकरी अच्छी लगी और बाघ ने कहा, सच में तुम बहुत ही होशियार हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ, करके बाघ ने हंसते हुए बोला। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलते हुए आकर अपने झुंड में मिल गई। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी होशियारी से कितनी भी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मुर्गी और कुत्ते की दोस्ती। एक गांव में मुर्गी और कुत्ता थे। उन दोनों के मालिक एक ही होने पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई।
वो दोनों गांव में साथ ही घूमते थे और साथ ही खाना भी खाते थे। उनकी दोस्ती को देख गांव के बाकी के पशु पक्षी चौंक जाते थे। एक दिन मुर्गी और कुत्ता पास के जंगल में घूमने गए और जंगल में बहुत देर तक मजे से घूमे। जंगल को पहली बार देखने पर उन दोनों को बहुत खुशी मिली। ऐसे मजे में सब कुछ भूलकर जा रहे थे तो शाम ढल गई। तब मुर्गी ने कहा, अरे रे, रात हो गई, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? अगर जंगली जानवर आएंगे तो हम क्या करें? सोचकर मुर्गी चतुरता से एक पेड़ के डाल पर चढ़ के बैठ गई और कुत्ता पेड़ के छाल में छुप गया। कुछ देर बाद एक लोमड़ी उसी तरफ आई। खाने के लिए कुछ तो मिलेगा ही करके बहुत देर तक वही बैठी रही। अब उधर रुककर कोई फायदा नहीं करके जाने वाले लोमड़ी को पेड़ पे बैठी मुर्गी दिखी। लोमड़ी ने मुर्गी से पूछा, मुर्गी मेरे लिए एक गाना गाओ ना। तब मुर्गी ने गाना गाया। अपने दोस्त की आवाज सुनते ही कुछ तो खतरा है करके पेड़ के छाल में छुपा कुत्ता सतर्क हुआ। फिर लोमड़ी ने कहा, मुर्गी अच्छी सी मुर्गी, नीचे आकर गाना गाओ ना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। लोमड़ी के छाल को मुर्गी समझ गई और बोली, लोमड़ी मामू मेरे पैरों में दर्द है, मैं अब नहीं उतर सकूंगी। मेरे दोस्त उस पेड़ के छाल में है, उससे पूछ लो गाना गाने के लिए। बोलकर मुर्गी ने चतुराई से कहा, अच्छा तो पेड़ के छाल में एक और है क्या? तो अच्छे से पहले उसकी खबर लेकर फिर तेरे पास आऊंगा। सोचकर लोमड़ी खुशी से पेड़ के छाल में अपना मुंह रखा तो अंदर के कुत्ते ने लोमड़ी को जोर से काटा। मैं मर गया रे, अरे मैं तो मर गया रे बाबा, बोलकर चिल्लाती हुई लोमड़ी उधर से भाग गई। फिर सुबह होते ही रात की बात को याद करके हंसते हुए मुर्गी और कुत्ता खुशी खुशी घर लौट गए। बुद्धिमान विकास। एक गांव में अनुषा और विजय नाम के दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों ने अच्छे से पढ़ा। उनके विकास और निकास नाम के दोनों बेटे थे। विकास 8 साल का था तो निकास 3 साल का था। उन दोनों में विकास बुद्धिमान था। वह अपनी माँ की हर बात को अच्छे से सुनकर उसका गहरा विचार करके सवाल पूछता हुआ अपने डाउट्स को क्लियर करता था। ऐसे विकास जितना बुद्धिमान था उतना ही शैतान भी था। अपने छोटे भाई निकास को हमेशा रुलाता था। एक दिन विकास स्कूल से वापस आकर बोला, माँ मुझे पैसे दो ना, मैं कुछ खरीदूंगा। तब उसकी माँ ने विकास को 10 रुपए देकर कहा, ये लो 10 रुपए, छोटू और तू शॉप जाके कुछ खरीद लो। फिर दोनों भाई शॉप जाते हैं। आंटी मेरे छोटे भाई के लिए एक चिक्की और मेरे लिए एक बिस्किट पैकेट दो। तब शॉप आंटी ने विकास के मांगी हुई सारी चीजें देकर हाथ में 4 रुपए दिए। अरे और 4 रुपए बच गए, मैं इनसे और क्या खरीदूं? आंटी इन 4 रुपयों से 2 मिठाई दे दो, करके बोलकर उन्हें लेकर बाहर आके, छोटू तू ना चिक्की का, ठीक है भैया, बोलकर निकास उस चिक्की को धीमे धीमे चाटते हुए थोड़ा थोड़ा चबाकर खा रहा था। ये सब उनकी माँ घर से देख रही थी। ऐसे निकास की चिक्की कितनी देर खाने पर भी खत्म ही नहीं होती। इतने में विकास बिस्किट पैकेट के सारे बिस्किट्स खा लेता और मिठाई भी एक खाकर बस दूसरा खाने ही वाला था
ये क्या विकास, अपने छोटे भाई को 1 रुपया दिलाकर तूने सारे रुपए खरीद लिए? ये गलत बात है ना? माँ, छोटू को ब्लड नहीं है करके डॉक्टर ने कहा था ना, और चिक्की खाने से तो ब्लड आता है, इसीलिए छोटू को मैंने चिक्की दिलाया, बोलकर विकास ने अपनी बुद्धि से जवाब दिया। विकास के इस जवाब से उसकी माँ को पहले गुस्सा आने पर भी मन में विकास को पाठ पढ़ाना ही होगा करके निर्णय किया। एक दिन अनुषा गुड़ की मिठाई बना रही थी, तब उस स्वादिष्ट खुशबू को पहचानने वाले विकास और निकास, माँ मुझे दो, मुझे दो, माँ मुझे दो मिठाई, माँ मुझे दो मिठाई। रुको रुको, गरम है, हॉल में जाकर बैठो, मैं प्लेट में डालकर रहती हूँ। चलो रे छोटू, हम जाकर बैठते हैं, माँ ले आएंगी ना हमारे लिए, करके बोलकर अपने छोटे भाई को लेकर हॉल में बैठे इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ दोनों प्लेटों में मिठाइयाँ रखकर लाई, तो विकास अपने आप को रोक ना पाते हुए विकास अपने प्लेट को लेकर देखा तो उसके प्लेट में बस एक ही मिठाई थी, वही उसके छोटू का प्लेट मिठाइयों से भरा था। माँ, यह देख विकास गुस्से से अपनी माँ से कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे? फिर विकास ने गुस्से से कहा, माँ क्यों आपने छोटू को इतने सारे मिठाई दिए और मुझे बस एक ही दिया? हाँ बेटा, छोटू को ब्लड नहीं है ना, और गुड़ खाने से ब्लड आता है, इसीलिए छोटू को इतने सारे मिठाई, करके जवाब दिया। तब विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ और विकास अपने मन ही मन सोच रहा था कि अरे रे, अगर मैं छोटू को 1 बराबर दिलाता तो मुझे भी मिठाई उसके बराबर मिलती। सही है ना माँ? बोलकर उस एक ही मिठाई को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। इस कहानी की सीख है कि हम अपने सामने वालों को 1 बराबर समझेंगे तो हमें भी बराबर का हक मिलेगा।